हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएशन बाय मोनी। आज मैं आप लोगों को मशीन के केस की साफ सफाई और उसे खोलने का आसान तरीका बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमने मशीन का केस ले लिया है। इसको खोलने और इसकी सफाई करने का दो आसान ट्रिक्स हम आपको बताएंगे। एक फर्स्ट ये हेयर पिन होता है जो सबके पास होता है, जो बॉल में लगाते हैं हम। दूसरा ट्रिक्स है जो ये बाबिन इसमें लगाया जाता है, उसी से हम अपने केस को खोलकर दिखाएंगे आपको। तो चलिए हम सबसे पहले बाबिन से खोलकर दिखाते हैं। तो अपनी बाबिन लेंगे हम, केस में जो नट लगा रहता है उसमें लगा के इस तरह से अपनी तरफ घुमाएंगे। तो यह बहुत ही छोटा होता है, तो ये धीरे धीरे घूमकर खुलेगा। ये देखिए जो केस है उसमें की जो पत्ती है वो निकलकर दिख रही है। इसमें देखिए नट जो है बहुत ही छोटा लगा होता है, जिसको हमने बॉबिन की सहायता से खोल दिया है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो केस होता है इसमें धागा फंसा होता है, और जब हम सिलाई करते हैं तो धागा फंसने की वजह से हमारी जो सिलाई करने वक्त धागा रहता है वह बार बार टूट जाता है। तो हम इसको इस तरह से खोलकर इसकी सफाई कर सकते हैं। इसकी सफाई साफ करने के बाद इसको हम फिर से केस में लगाएंगे। जो नुकीला भाग रहता है उसको हम पीछे की साइड डालते हैं और अच्छे से इसे बैठा लेंगे, और जो नट है उसको भी हम इसमें छेद में डालेंगे। और इसी बाबिन की सहायता से हम इसे टाइट करेंगे। ये कुछ इस तरह से घुमाएंगे ताकि ये जो हमारा बाबिन का जो पत्ती था, केस का पत्ती था, वह अच्छे से सेट हो जाए। और इसको बहुत ही सावधानी से करेंगे। ये देखिए हमारा जो कीस है वह सेट हो गया है। ये थोड़ा सा ढीला लग रहा है तो इसे हम और टाइट कर देते हैं। ये अच्छे से टाइट हो गया है। अब इसे हम देखते हैं कि ये कहीं से कोई लूजिंग ढीला तो नहीं है। तो इसको इस तरह से देखेंगे और थोड़ा सा हम लूजिंग रखेंगे ताकि जो हमारा धागा है उसको हम जब केस में अंदर डालें, इस तरह से उसके छेद में डाल के जब ऐसे निकाले तो हमारा जो धागा है वो अच्छे से चला जाए। अब इसको हम इस तरह से हिलाएंगे तो हमें जब ये अपने आप इस तरह से घूम रहा है तो समझ लीजिए कि हमारा जो केस है वो अच्छे से सेट हो गया है। और अगर धागा जो हमारा केस में अपने आप बिना खींचे निकल रहा है तो समझिए कि धागा जो हमारा है वो सेट नहीं हुआ है। अब दूसरा ट्रिक्स हम आपको बताते हैं जो कि हेयर पिन से है। हम हेयर पिन की सहायता से आपको केस को खोलकर दिखाएंगे। इसका जो पतला वाला भाग होता है सेम हम जिस तरह से बाबिन से केस को खोले थे उसी तरह से हम हेयर पिन की सहायता से भी खोलेंगे। ये बहुत ही आसान ट्रिक्स है, कहीं पे आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, घर पे कोई भी इसे खोल सकता है। इसके पतले भाग से हम अपनी तरफ घुमाएंगे और देखिए ये खुल गया हमारा, इसकी पत्ती और नट जो है खुल गया है। इसी तरह से हम
हेयर पिन की सहायता से भी केस को खोलकर उसकी सफाई कर सकते हैं। अब इसको हम फिर से लगा देंगे। लगाने के बाद जो छेद है ऐसा लगाएंगे कि जो छेद है वो अच्छे से हमारा दिखे, और इसमें जो नट लगा है उसको हम इसमें डाल देंगे और ध्यान से करेंगे ताकि अगर नट गुम हो गया तो वो इतना छोटा है और हमें ढूंढने में काफ़ी दिक्कत होगी। इसको डालने के बाद हम फिर हेयर पिन से टाइट करेंगे। अच्छे से सेट करके टाइट करेंगे ताकि जो हमारा केस का पिन है वो अच्छे से सेट हो जाए। अब देखिए इस तरह से हमारे जो केस है वो हेयर पिन से भी अच्छे से टाइट हो गया है। यहाँ से हम थोड़ा सा लूजिंग पहले से ही रखते हैं, थोड़ा इसको और अच्छे से टाइट कर लेंगे ताकि जो यहाँ पे धागा डालते हैं वो अच्छे से उसमें चला जाए। ये देखिए कुछ थोड़ा सा इस तरह से हम देखेंगे कि ज्यादा टाइट ना हो। अब हम इसमें अपने बाबिन को डालकर देखेंगे कि यह सही से फिट हो रहा है कि नहीं। इसको डाल के इस तरह से हिलाएंगे, अगर ये टाइट है, खुद से धागा नहीं निकल रहा है, तो ये हमारा अच्छे से सेट हो गया है। और अगर खुद से धागा निकल रहा है तो हमारा जो केस है वो अच्छे से सेट नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमने दो ट्रिक्स बताया है, जो कि फर्स्ट ट्रिक हेयर पिन से है, हेयर पिन से आप अपने केस को खोल सकते हैं। सेकेंड ट्रिक्स है जो हमने बाबिन से बताया था, उससे भी आप अपने हेयर पिन को खोलकर सफाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।